पंजे ठंड कि पै रही है असी तु दस दें कि साढ़े शहर मोहाली चंडीगढ़ आस पास ट्राई सिटी बहुत ज्यादा ठंड है पिंडे शहर कि ठंड पै रही है इसकी जानकारी दो क्योंकि मौसम विभाग के अंकड़े होंगे ने जेडे के संभावनावान आधारित होंगे ने जिन्हों के पचहत्तर फीसदी संभावनावान ठीक भी होंगे ने पच्ची फीसदी गलत भी साबित हो जाए ने सो ती जलाके बैठे हो उठ के हालात ने जरूर जानकारी अगले चार दिन तो दा येलो अलर्ट जारी किया है पर धुंद तो सिर्फ खुलिया था ही नजर आवेगी दस जनवरी तो यानी कि कल तो राहत मिलनी शुरू होगी इस दौरान आ, कुछ था हल्की धुप तो भी निकल सकती है सूरज देवता के दर्शन कल हो सकते मंगलवार अज कुछ था हल्का मीह पेड़ की संभावना जरूर प्रगटाई गई तो भी मीहर नहीं मिली जो खबर देवे हालांकि मीह की संभावना पच्ची फीसद ही सी जिन्ह जिले मीह की संभावना पठानकोट गुरदसपुर अमृतसर तरन तारण फिरोजपुर फरीदकोट मुक्तसर साहिब बठिडा फाजिलका हुशियरपुर रूपनगर मोहाली ठंड का जबरदस्त है कि जे अंदर अलमारी ठंड पै रही जिंद भी, भी तो गल तो करो सारे कहते हैं कि एतकी ठंड बहुत पै रही है तापमान है जराकि मौसम विभाग की जानकारी मुताबिक कल दे मुकाबले अज एक डिग्री वाया है पर लगता नहीं है गुरदसपुर के कल तक रात चार डिग्री से, अच्छ के डिग्री हो गया हालांकि सत्त तो तो डिग्री दुआ दर्ज किया गया हरियाणा इही हालात ने जो जेज जे हूं हिमाचल प्रदेश की गल कर लीए बर्फबारी भावे नहीं हो रही पर ठंड ने लोगों का बुरा हाल रख चौबी घंटे अंदर हिमाचल है दर्ज किया दो दो गया है हिमाचल के छह शहर का तापमान जीरो डिग्री तक पहुंच गया इन्हपा कुफरी तारकंडा भी शामिल ने मौसम विभाग ने साफ कर दिता है कि पंद्रह जनवरी तो पेलांत कोई संभावना नहीं है सो यह पंद्रह बर्फबारी ना होचल जायद नहीं हों सो पंद्रह so, जनवरी तक स्नोफॉल फॉल कोई झाक न रखियो ओदू बाद राजस्थान के दे चौदह जिले मी अलर्ट है दुपहरे दो बजे तू बाद मुजफर नगर का ही दर्ज किया गया है दिल्ली ठंड कड़ाके की पै रही है मौसम की खराबी कारण इतना सोलह रेल गडिया पछड़ के चलिया ने घटो तो घट तापमान इतना नौ अशारिया चार डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया है ਗੁਰੂਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਾਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ हस्पता पहुंच गया संघर तो खबर है जिथे तीन दोस्तान ने ठंडे पानी कपड़े शर्त लाई बंद होता है ठंडे पानी जो नहाते तिने जाने एक नौजवान बेहोश हो गया दोस्त दूजे घबरा गए उन्होंने चक के हस्पता इस वक्त नौजवान की हालत ठीक है डॉक्टर ने दस कि जो नौजवान काफी पतले होंगे ने ठंड लगन करके उन्होंने ਆਮ ਆਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁngੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ खून की रफ्तार तेज हो जाती है दिल का दौरा ब्रेन लकवा होने की संभावना हो गया पहला लोग ठंडे पानी वादू नहाज भी बहुत सारे अजे अः लोग है दस दे नहीं हो बहुत लोग है जेडे ठंडे पानी ताजे पानी बंबी के ताजे पानी नहा काफी सेहतमंद होंगे जी चमड़ी है जरूर सोचने लजबूर होना पै रहा है कि पंजाब के जुस्से ने जेडे ज्यादा कमजोर हो गए ने कि ठंड ठंडे पानी नहाँ करके तुम हस्पता भी पहुंच सकते हो पंजाब दास खबर

ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ आदमपुर सिविल एयरपोर्ट ने नवे बने टर्मीनल निरीक्षण पहुंचे टर्मीनल कि तैयार है, वाले उडाना मुड़ तो शुरू हो है। मिलूगा तीसरी अहम खबर थोड़े तो सब लिंता वाली खबर है कि ट्रक चालक हड़ताल मुड मुड़ तो हो सकती है हिट एंड रन कानून खिलाफ पंजाब यूनियना का गुस्सा शांत होने का नाम ली लै रहा यूनियन ने साफ कर दिया कि बठिंडा तेल डिपो तो सप्लाई नहीं होगी तीन डिपोलियन गल बात की परमती अज वाली मीटिंग च बन नहीं सकी यूनियन का इल्जाम है बठिंडा डिपो लंघे दिनी ट्रक डरावर ने स्टेयरिंग छोड़ मुहिम शुरू की परिस ने कुटमार की यूनियन ओमायत लठिडा जा रही सी पर धके मीटिंग सद लिया गया जो हिट एंड रन कानून बारे जनवरी तक रखा तो खिलाफ मता पेश किया जाए के असि इस नागू नहीं हो गए मान सरकार तो मांग जा रही है पर हाली तेरी मीटिंग सी बेसिटा रही है बठिंडे वाला जो डिपू है तेल सप्लाई ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਡਿੱਪੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 바ਵਾ ਵਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅੰਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾ

समेल है कई खुशबू लगती है कई बदबू भी लगती है, तो है पर इन्ह आंडिया नहींविलजन एक चिट्ठी लिख के दे, आदेश दिते ने सो जे तुम भी आंडे खाने के शौकीन हो तो हो सकता है कि तेल तो धोखा तो हो जाए हम आईफोन वरतन के शौकीना जरूरी खबर है कंपनी नवे डिवाइस एपल विजन प्रो नांच तैयारियां चल रही कंपनी ने दसा की दो फरवरी दो हजार चौबीका हालाके भारतीय बाजार कदों आएगी इस बारे कोई जानकारी नहीं है एपल विजन प्रो एक मिकसड रियलिटी हैंडसैट है इस नीचले साल वर्ल्ड वायड डिवेलपर कॉन्फ्रेंस पेश गया

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਯਾਨਕਿ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਨਰਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ

ਗਣਿਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ